आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाइन्थ और टेंथ दोनों क्लास के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक्स दोनों के सेम है प्रोबेबिलिटी के। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ कॉइन के बारे में। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके आउटकम्स हेड और टेल आएंगे, ठीक है? तो मतलब सिंगल कॉइन की बात कर रहा हूँ, जब मैं वन कॉइन की बात करूँ। अगर मैं टू कॉइन्स को टॉस करूँ तो मेरे पास जो टोटल आउटकम होंगे वो होगा हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब देखो शॉर्टकट क्या है इसका कि कितने, अगर नंबर ऑफ कॉइन्स थ्री होते तो क्या बनता है? देखो फेस जो होता है ना, जैसे कॉइन के दो फेस हैं हेड और टेल, तो ये टू फेस यहाँ पे लिखना है और पावर में नंबर ऑफ टाइम्स एन, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ कॉइन्स। अब देखो यहाँ पे मैंने फेस लिखा टू क्योंकि दो फेस होते हैं। अगर एक कॉइन है तो टू की पावर वन मतलब टू आउटकम आ गए। अगर मैं लिखूँ दो कॉइन्स मतलब कि दो बार या टॉस किया गया या दो कॉइन है तो टू की पावर टू, ये हो जाएंगे फोर आउटकम। और अगर मैं यहाँ पे तीन बार टॉस करूँ कॉइन को तो मेरे पास टू का क्यूब मतलब एट आउटकम्स आएंगे। एट आउटकम्स मैं लिख के दिखा देता हूँ। पहले तीनों हेड ले लो और तीनों टेल ले लो, ठीक है? उसके बाद एक हेड लो और दो टेल हो जाएंगे। फिर इस हेड को रोटेट करना है, ये फर्स्ट पोजीशन पे था, अब इसको सेकंड पोजीशन पे लेके आ जाओ, फिर थर्ड पोजीशन पे ले जाओ, ठीक है? ये हो गया। अब एक हेड था, अब एक टेल ले लो, टेल हेड हेड, फिर टेल की पोजीशन चेंज करते रहो, हेड टेल हेड और हेड हेड टेल, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कितने मैंने बना दिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हमारे एट आउटकम्स हो गए कॉइन के, ठीक है? ऐसे ही आगे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कार्ड्स का। अब देखो कार्ड्स का कंसेप्ट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कार्ड्स के टेंथ क्लास में पूछे जाते हैं, नाइन्थ में कॉइन और डाइस के होते हैं क्वेश्चंस जो वो पूछते हैं, ठीक है? तो मैं कॉइन्स और के बाद अब कार्ड्स के बारे में बता देता हूँ। टोटल कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52, ठीक है? जिसमें से 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं, ठीक है? जो कार्ड के अंदर मेन चीज पूछी जाती है वो होते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स हमारे पास जैक, क्वीन और किंग। इन कार्ड की फोर वेराइटीज हैं, जैसे मैंने ये बताया 26 ब्लैक और 26 रेड। कार्ड जैसे नंबरिंग करें, अगर ए टू थ्री ये चलता रहेगा 10 तक, उसके बाद आता है जैक, क्वीन और किंग। ये तीनों मैंने बता दिए फेस कार्ड। देखो अब इन कार्ड की, हर कार्ड की चार टाइप्स हैं, मैं वो टार पहले बता देता हूँ टाइप्स के हैं। स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, ठीक है? ये दोनों होते हैं ब्लैक कलर के, स्पेड और क्लब, ठीक है? ये ब्लैक कलर के होंगे, ये ब्लैक होंगे और ये दोनों रेड कलर के, ठीक है? तो तभी देखो 26 ब्लैक और 26 रेड बन गए ना। टोटल ये कार्ड कितने थे, 13। तो 13 इंटू टू, 26 ब्लैक हो गए और 26 रेड हो गए, ठीक है? तो ये हो गए फेस कार्ड्स हमारे पास, जैक, क्वीन, किंग। अगर हम पूछें कि टोटल फेस कार्ड्स होते कितने हैं तो वो कितने हो जाएंगे, देखो तीन टाइप और ये तीन कार्ड्स हैं जैक, क्वीन, किंग, और इसकी टाइप कितनी है, चार है। तो टोटल 12 कार्ड्स कितने हो गए, फेस कार्ड्स, ठीक है? तो फेस कार्ड्स की क्वांटिटी हमारी कितनी होगी, नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए 12। अब देखो कार्ड्स में वो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे वो प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है 10 ऑफ स्पेड। तो 10 ऑफ स्पेड का मतलब है स्पेड 10 वाला एक कार्ड ही है हमारे पास, ठीक है? तो वो प्रोबेबिलिटी 1/52 हो जाएगी, ठीक है? तो ऐसे वो किसी भी चीज़ के, रेड ऑफ क्वीन, ठीक है, क्वीन पूछ सकता है, किंग पूछ सकता है। तो अगर कार्ड्स का आपको कंसेप्ट पता है कि हाँ ब्लैक कितने हैं, रेड कितने हैं, फेस कार्ड्स कितने हैं, तो आप इससे वो वैल्यूज़ निकाल लोगे सारी की सारी, ठीक है? अब नेक्स्ट मैं आपको डाइस के बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा।
डाइस में भी वही है कि अगर मैं एक डाइस थ्रो करता हूँ, सिंगल मतलब सिंगल डाइस, वन डाइस कह सकते हो या सिंगल थ्रो कह सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ डाइस अगर वन है तो मेरे पास आउटकम होंगे सिक्स, ठीक है, ये टोटल आउटकम्स कितने हो गए, सिक्स आउटकम्स हो गए। अगर मैं दो डाइस थ्रो करता हूँ, ठीक है, दो डाइसेस को थ्रो कर रहा हूँ, तो मेरे पास टोटल आउटकम क्या होंगे, 36। इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगा पावर का, जो फेस होता है फेस को सेंटर में रखते हैं, छः फेस थे, और नंबर ऑफ टाइम्स, अगर डाइस को सिंगल थ्रो किया तो 6 की पावर 1 सिक्स, और अगर दो डाइस थ्रो करी तो 6 का स्क्वायर 36। अब आपको 36 आउटकम बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है टू डाइस वाले में से, ठीक है, इसमें बहुत क्वेश्चंस बनने वाले हैं। देखो बनेंगे कैसे, पहले 36 ये आपने पूरा बना के आना है पेपर में, अगर ये क्वेश्चन आता है टू डाइस वाला, तो नंबर ऑफ आउटकम्स पहले आपको पूरे शो करने होते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 1.1, 1.2, 1.3, ये चलता रहेगा कब तक, 1.6 तक, फिर आ जाता है 2.1, ये पहली डाइस पे नंबर फिक्स कर रखा है, जैसे इसमें फिक्स किया 1, तो बाकी डाइस सेकंड वाली में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। फिर ऐसे हमने पहली डाइस पे नंबर 2 को फिक्स कर दिया, तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये सारा चलता रहेगा, ठीक है, फिर उसके बाद 3 वाले पे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। ये आपको मैं पूरे इसलिए लिख के दे रहा हूँ क्योंकि आपको अभी क्वेश्चंस का पता चल जाएगा कि इस टाइप के आने वाले हैं, 4.1 से लेके कब तक चलता रहेगा ये, 6 तक, बस नंबर फिक्स करने हैं, बाकी रिपीट करते रहना है। एक नंबर सब में फिक्स कर दो पहले ही डाइस के अंदर, ठीक है, ये पहली डाइस पे मैंने नंबर फिक्स कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 6 फिक्स करेंगे, ये लास्ट होगा, ठीक है, नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है, ये रिपीट होती है क्योंकि ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी दोनों में सेम है, ठीक है। अब देखो अगर वो पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट, डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर रिपीट होना। अब ये टोटल 36 आउटकम्स हैं, देखो 6 ये रोज भी देख लो कितनी है 6, ठीक है, तो 6 × 6 टोटल बन गए 36 आउटकम्स। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट, डबलेट मतलब कि सेम नंबर बोथ डाइस पे, ठीक है, सेम नंबर ऑन बोथ डाइसेस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 4, 5 और 6, तो ये बन गया 6/36। ऐसे हम क्वेश्चंस बाकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।